हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले हैं, सनातन धर्म हिंदुइज्म टिकटॉक वीडियो। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की इस वीडियो की, तो ले आए आप लोग भी रिक्वेस्ट करके बताएं। चले वीडियो देखते, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी ऐसी वीडियो देखते, मजा आने वाले देखने में। सनातनी गरुड़ जी को लग गया जितना तेज मैं उड़ता हूं। ओके, अरे ये गति से भी जब तेज होने वाले रावण के टाइम पे थे ना। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा, जगन्नाथ जी ने बोला कि ना गरुड़ ऐसा करो, एक बार हनुमान जी को लेकर जाओ जरा। हाँ, हनुमान जी बुलाओ। तो गए हनुमान जी बुलाने के लिए, कहता है हाँ जी हनुमान जी, हनुमान जी ध्यान लगा रहे राम जी का नाम। ओके, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। मैंने कहा जगन्नाथ जी बुला रहे हैं। कहता चलिए आ रहे हैं अभी जी, अभी बाद में। अरे भाई जगन्नाथ जी बुला रहे, जगन्नाथ जी बुला रहे भाई, बिजी है भाई अभी। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। पहुंचे जगन्नाथ जी के पास, गरुड़ जी कहते हैं प्रभु उनको मैंने पर्सनली इनवाइट किया, बिजी हूँ। अच्छा उनको बोला कि सीताराम बुला रहे। तो पहुंचे उनके पास, गरुड़ जी कहते हैं अच्छा सीताराम जी बुला रहे हैं, सीताराम जी बुला रहे। इससे पहले गरुड़ जी पहुंचते वहां देखा हनुमान जी बैठे हुए। अरे भाई अपने से भी ज्यादा सीख, हनुमान जी सबसे पावरफुल है यार। मतलब उनसे भी तेज। मारेगा कि एक अक्षौहिणी सेना हमारे पक्ष से युद्ध करेगी। पिताश्री हमारे पास अब 10 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो गई है। अच्छा, और पांडवों के पास अधिक से अधिक 6-7 अक्षौहिणी सेना होगी। तो रुको जरा, सबर कर लो। यादव श्री कृष्ण है, कृष्ण जी तो उनके साथ ही है ना। ये अच्छा था उनके पास कुछ। अर्जुन जी धनुष बांध लिए आए, उन्होंने फूल तोड़ लिया तो हनुमान जी कूद के महाभारत में भी थे हनुमान। पूछते तो अर्जुन जी बोले कौन सी गलती, महाभारत में हनुमान शायद वो थे, बूढ़े हो गए थे जब उसको भेजा था वो भगवान कृष्ण भीम को दुम उठाने के लिए, ऐसा कुछ था। हंस के बोले हनुमान जी, अर्जुन जी बोले हंसे क्यों, बोले जिनकी भगवान ही चोर हो। अर्जुन जी को बड़ा तावा, बोले वाह तुम्हारे भगवान कौन से कुछ खास है। हनुमान जी बोले क्यों नहीं है, जब समुद्र पार जाना था इतने बलवान थे, धनुष बाण से नहीं पुल बना देते। हनुमान जी बोले तुम बना सकते हो, हनुमान जी बोले तुम बनाओ सेना तो दूर की बात, हमारा ही बल अगर तुम्हारा पुल संभाल ले तो बढ़िया। चलाया एक पुल बना दिया, हनुमान जी ने विशाल का शरीर बनाया, जब चले तो सूर्य भी छिप गए। अर्जुन की भी आंखें मिचत मिचत बची, जैसे ही हनुमान जी ने एक कदम रखा उस पुल के ऊपर, सोई होगा स्वाहा। हनुमान जी बात बहुत पावरफुल हुई है भैया। ओके, तुम्हें संकट तो मेरे पुत्र से था, चाहो तो मेरे प्राण ले लो, पर तो इसे जीवन दान दे दो भैया। मृत्यु बेटियों को मैं कोई अंतर नहीं करती, तो मैं क्यों करूं। मारने लगा दे इसे। अब क्या होगा भैया, कंस मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है, जगत का तारणहार आ चुका है, भगवान स्वयं आ चुके हैं। नाइस। राम श्री राम। वाल्मीकि से लेकर आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी हर हिंदुस्तानी माँ, हर नानी दादी ने अपने बच्चों को यही सिखाया है कि राम सेतु को श्री राम ने बनाया था। भारत में श्री राम का होना समझ में आता है, पर क्यों नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के कल्चरल कॉन्शियसनेस में भी श्री राम बसे हैं। क्यों बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म में रामायण है, क्यों गुरु ग्रंथ साहब में श्री राम का नाम बार बार आता है, क्यों रामायण। ब्रह्मा जी ने हनुमान को बहुत समझाने की कोशिश की कि वे लड़ाई के लिए नहीं जाए, लेकिन हनुमान नहीं माने। हनुमान जी ने कहा कि बाली ने उनके प्रभु श्री राम को चुनौती दी है, ऐसे में उसे जवाब नहीं देना उचित नहीं होगा। इस पर ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से कहा कि वे जाकर बाली से लड़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि वे अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर युद्ध के लिए जाएं। अब वरदान के अनुसार दंगल के मैदान में हनुमान जी जैसे ही बाली के सामने आए, उनकी शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में आ गया। इससे बाली को अपने शरीर में अपार शक्ति का एहसास होने लगा। थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगने लगा कि जल्द ही
मानो उसके शरीर की नसें फट जाएंगी। इसी मतलब हनुमान जी पावर डाल थोड़ी सी। ब्रह्मा जी ने पाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं समझ पा रहा है, जबकि वे केवल अपने 10% शक्ति लेकर लड़ने आए। सोचो यदि संपूर्ण शक्ति होती तो क्या करते। यार क्या हनुमान जी की पावर है। यहाँ अगर मोदी जी औरंगजेब आता है तो शिवाजी की किसे राजा ते प्यार करवा ले, मेरी गैल मरे पछतावेगी, तेरी काया पड़ जा काली रे तन याद मैल की आवेगी, मेरा कंबल तक का प्योत नहीं जटे। श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के पश्चात मथुरा का समस्त राज्य अपने नाना उग्रसेन को सौंप दिया था। इसके उपरांत वसुदेव और देवकी ने कृष्ण को यज्ञोपवीत संस्कार के लिए संदीपन ऋषि के आश्रम में भेज दिया, जहां उन्होंने 64 दिनों में 64 कलाएं सीखी। संदीपन ऋषि के आश्रम में ही कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई थी, जो बाद में अटूट मित्रता बन गई। संदीपन ऋषि द्वारा कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षाएं पूर्ण की थी। आश्रम में कृष्ण, बलराम और सुदामा ने एक साथ वेद पुराण का अध्ययन प्राप्त किया था। बगल के हनुमान जी तुम्हारे नजदीक है, वहाँ पहुँच जाना, एक एक हनुमान चालीसा का पाठ खुद भी करना, अपने बालकों को भी कराना, तुम्हारे अंदर संतत आ जाएगा, और संतत आ जाएगा तो प्रत्येक विपत्ति में रक्षा करने का काम हमारे हनुमान जी। हनुमान जी नाइस है। ये क्या था यार, कमेंट करके बताओ यार। और मजा आ गया सही में यार, मतलब कि हनुमान जी जिससे भी आज तक सामने गए हैं, सबसे पावरफुल हनुमान जी, अर्जुन के सामने हो, भीम के सामने हो, रावण के सामने हो, मतलब किसी के भी सामने हनुमान जी जाए, सबसे पावरफुल हनुमान जी है यार। क्या यार, आप भी कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन, और आपको हनुमान जी से कितना प्यार है, कमेंट करके बताओ। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।